एसएन त्रिवेदी जी, लगता है आपको कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं चुना कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि वहां तो हारा हुआ पहले ही मान के चल रहे हैं, इसीलिए मेहनत उन्हीं इलाकों पे ज्यादा जहां से उम्मीद है? एसएन त्रिवेदी जी, देखिए, अभी पंकुड़ी जी ने स्वयं बता दिया कि अखिलेश जी का अंदाज निराला है, अंदाज सबसे अलग है, और वास्तव में अंदाज अलग है, क्योंकि इन्होंने वही काम किया है सर्वप्रथम कि जो मुगल शासन में हुआ करता था कि सत्ता लेने के लिए अपने पिता को जेल में डाल दिया जाता था, तो पहला कार्यक्रम तो इन्होंने यही कर दिया उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने से पहले जी। और दूसरी बात ये कि प्रथम चरण के चुनाव से इन्होंने शुरुआत इसलिए नहीं की कि वहां तो सपा और भाजपा ने मिलकर के दंगे कराए थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और उन दंगों के फलस्वरूप वोटों का ध्रुवीकरण कराया था, जिसका लाभ पूरा पूरा जो है बीजेपी को मिला था, ऐसी मिली भगत इन दोनों में रही जी। तो वहां अभी जाने के लिए इनका चेहरा साफ नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह जी स्वयं इनके साथ नहीं है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने वहां से शुरुआत न करके टोलने टोटके की बात जैसे अभी आपने रखी कि टोटके में विश्वास करने लगे, तो जब राजनीतिक व्यक्ति ज्योतिषी और टोटकों में विश्वास करके कदम आगे बढ़ाने लगेगा तो टोटके बाजी में तो कोई ज्योतिषी ये कह देगा कि भाई आप यहाँ के बजाय आप ऑस्ट्रेलिया में अब जाके चुनाव लड़िए जहाँ पढ़ते थे, तो ये उत्तर प्रदेश भी छोड़ देंगे जी। ये तरीका जनता के हित में नहीं है। और जहां तक विकास की बातें ये कर रहे हैं, तो विकास तो इनके ये सर्टिफिकेट अपना स्वयं दे रहे हैं, क्या मेट्रो चला देने से या एक्सप्रेस वे बन जाने से जो है क्या विकास हो गया उत्तर प्रदेश का? गांवों में किसान अब भी दुखी है, गांव में जो है चलने के लिए रास्ते नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है, मंडियों तक सामान किसान का नहीं पहुंच पा रहा है किसान। आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलिए ये लेकिन वो आम लोगों के बीच जाएंगे तो ये बातें तो कहेंगे ही जो उन्होंने काम किया है।